नमस्कार, किताबी दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिजन भट्टाचार्य के दूसरे नाटक अंतिम अभिलाषा पर बात करेंगे। इस नाटक के केंद्र में भी बंगाल का अकाल है। इस नाटक में भी किसानों का विस्थापन होता है। इस नाटक में भी किसान जब शहर पहुंच जाते हैं तो वहां की बदतर स्थितियों से दो चार होते हैं और फलतः वे गाँव लौट जाने की बात करने लगते हैं। इस नाटक में ना तो मीडिया की खबर ली गई है और ना ही खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में कोई चर्चा की गई। इस नाटक में ना तो जमाखोरी के ऊपर कोई प्रकाश डाला गया है और ना ही औरतों के बेचे एवं खरीदे जाने की कोई बात की गई है। तो फिर क्या है इस नाटक में? अज्ञेय की एक कविता है सांप। अज्ञेय लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहां पाया। शहर इन भोली भाली जनता को कैसे डसना शुरू करता है उसकी एक वानगी देखिए। नाटक का एक अंश मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, उस अंश की वानगी देखिए। गांव का एक बूढ़ा किसान है, वो शहर के एक भद्र आदमी से कहता है, बाबूजी साहब इधर भी गरीब के कुछ सुनेंगे? भद्र, क्या है? मेरा मतलब है जी, क्या इस सरहम के ऊपर श्रीमान कृपा दृष्टि करने का अनुग्रह करेंगे? तुम तो बड़ी बढ़िया भाषा बोल रहे हो जी, तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहानी तो श्रीमान बहुत लंबी है। हम लोग बाबूजी किसान हैं, फल चलाकर खाने की आदत है। हमारे 14 पुरखों में से किसी ने भी कभी भीख नहीं मांगी श्रीमान, पर हमारे पास जमा जमीन जो कुछ भी थी वह सब बाढ़ में बर्बाद हो गई। उसके बाद बाल बच्चों का साथ है, सो भूखों मरने की नौबत आ गई, इसलिए शहर में चले आए। सोचा कि वहां बाबूजी लोगों के रहते भूखों तो ना मरना होगा, कम से कम दो कौर भात किसी ना किसी तरह मिल ही जाएगा। उसके बाद तो सब कुछ समझ बूझ कर आए हो जी? आप लोग सब दयावान यहाँ हैं, भूखों को खिचड़ी बांटते हैं, यहाँ सब खबर पाकर ही तो हम लोग इधर आए हैं। और यह बातचीत हो रही है। बातचीत के अंत में वह भद्र लोग उस बूढ़े किसान से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई औरत वौरत नहीं आई है? जब वह बूढ़ा किसान कहता है कि हाँ आई है, लेकिन खिचड़ी लेने के लिए बाहर गई हुई। और तब वह आदमी पलट कर आता है और बूढ़े आदमी को टिकट देता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे टिकट आप क्यों दे रहे हैं, इससे क्या होगा, मुझे तो पैसे दे दो। तो उसने कहा कि इस टिकट से ही तुम्हारा काम चल जाएगा, और इतना बोलकर वो भद्र आदमी वो चला जाता है। शहर यहाँ से इन गरीब आदमियों को डसना शुरू कर चुका है। न केवल बूढ़े आदमी इसके चपेट में आते हैं, बल्कि इस बूढ़े किसान की पत्नी कैसे इस शहर की चपेट में आ रही है, शहर के डसने की चपेट में कैसे आ रही है उसकी एक वानगी देखिए। घर से जब वे लोग निकलते हैं खिचड़ी लेने के लिए और वे जब लौट कर आते हैं तो उनके व्यवहारों में क्या परिवर्तन आता है ये आप देखिए। वो जो बूढ़े किसान की पत्नी है उसका विवरण नाटककार ने इस रूप में दिया है, बैंदा की माँ कुछ चकित दृष्टि से बूढ़े प्राण और बैंदा की स्त्री की ओर देखकर फिर घूम कर बैठ जाती है और खिचड़ी की हांडी सामने रखकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। हांडी शीघ्र ही खाली हो जाती है। पीछे आकर मानिक थोड़ी सी खिचड़ी के लिए ढुनकने लगता है, पर बैंदा की माँ उसकी ओर घूम कर भी नहीं देखती। वह दूसरी ओर मुख फिराकर जल्दी जल्दी खिचड़ी निगलती जाती है। बैंदा की माँ जैसे दिनों दिन पशु के समान स्वार्थपरक होती जा रही है। आपको प्रेमचंद की कहानी कफन का ध्यान होगा, उसमें घीसू और माधव उबले हुए आलू खा रहे होते हैं। घीसू माधव से कहता है, अरे जाकर देख तो ले उसका क्या हाल है। तो माधव सोचता है कि अगर मैं अंदर गया तो घीसू भुने हुए आलू को खा जाएगा। बैंदा की माँ जो बूढ़े किसान की पत्नी है वह गांव में अपने पोते मानिक को राजा बेटा प्यारा बेटा कहना नहीं भूलती थी और ये तक भी कहती थी कि मेरा प्यारा बेटा सूख कर कैसा कांटा हो गया है, शरीर में बचा ही क्या है। लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचती है उसके अंदर स्वार्थ परक प्रवृत्तियां घर करने लगती है। वह एकदम से, अगर उसकी बहू की भाषा में कहें तो वह एक राक्षस वाली प्रवृत्ति उसके अंदर हावी होने लगती है।
कहना चाहिए कि जो सूखते शरीर के साथ बैंदा की माँ के अंदर की संवेदनाएं भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं। मोह ममत्व अपनेपन की भावनाएं उसकी धरा धीरे धीरे बंजर होने लगती है। यह शहर का डंसना न केवल बूढ़ी औरतों तक सीमित है, बल्कि इसका डंसना आगे बढ़ता है और वह जवान औरतों को अपनी चपेट में लेता है। शहर के भद्रजन यानी ग्रामीण अंग्रेज जो शहर में बसे हुए थे, वो कैसे इनके औरतों के ऊपर, इनकी औरतों के ऊपर उनकी गिद्ध दृष्टि होती है, उसकी भी वांगी देखिए। वे भद्रजन अपने पास इन औरतों को अपने महल में किसी सेवाश्रम में नहीं ले जाते, बल्कि उन्हीं कुटिया में से उन औरतों को रात के समय उठाते हैं, उन्हें बहला कर फुसला कर अपने पास बुलाते हैं, नई नई साड़ियाँ देते हैं। और ये सारी स्थितियाँ जो बूढ़ा किसान है वो सब कुछ देख रहा होता है। बूढ़े किसान को ये तो मंजूर है कि अकाल आ गया, उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब शहर भी अगर उतने ही परेशान करना शुरू कर दे, शहर भी अगर डसना शुरू कर दे, तो फिर क्या करें। बूढ़ा किसान परेशान है, उसे भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, उसे मंजूर है कि भरपेट भोजन ना मिले, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी बहू भी अब धीरे धीरे शहर के चंगुल में आती जा रही है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो एक तरह से मरणासन हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को बुलाकर कहता है कि तुम लोग अब यहाँ मत रुको, शहर में रहना अब ठीक नहीं है, वापस चले जाओ, गांव चले जाओ। और इतना कहते हुए वह मौत के मुँह में समा जाता है। नाटक में दरअसल इन्हीं स्थितियों की चर्चा की गई है। और एक बात जो बिजन भट्टाचार्य ने दिखाने की कोशिश की है कि हमें जब कोई चीज़ परेशान करती है, या फिर जब हमें जब कोई चीज़ अंदर तक आहत करती है, तो फिर क्या होता है, मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ता है। शहर जब डसना शुरू करता है तो वह कैसे हमारे भीतर धीरे धीरे उसका जहर किस रूप में फैलने लगता है, और वो फैलते फैलते परिवार को, आंतरिक संबंधों को बिगाड़ने लगता है, उसके अंदर जहर घोलने लगता है। बिजन भट्टाचार्य ने जब ये नाटक लिखा था, उस वक्त इप्टा का दौर था। इप्टा के तहत ये नाटक मुंबई में भी खेला गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब नाटक के बाद पृथ्वीराज कपूर, बलराज सहनी, शंभू मित्र मंच से नीचे उतरते थे और अकाल पीड़ित लोगों के लिए धन इकट्ठा करते थे। आज भी महामारी है, आज भी अकाल पीड़ित लोगों की कमी नहीं है। जाहिर है कि जो रास्ता उस वक्त 1942 में हमें नाटक ने दिखाया था, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रास्ते हमें नाटक से ढूंढने होंगे, या फिर नाटक हमें ऐसा ही रास्ता बतलाएगा। धन्यवाद।